Welcome to my channel MS Study for CBSE Pattern. In this video, we will cover objective type questions of Chapter 20 Mensuration, Perimeter and Area of a Rectilinear Figure. तो इसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 225 मीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज. पेरीमीटर इसका क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नोटबुक में अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आपको एरिया देखा है 225 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर. अब साइड इक्वल्स टू आ जाएगी आपकी रूट में 225, और 225 का रूट होता है 15, यानी कि 15 मीटर हमारी साइड आ गई है. अब हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 इंटू साइड, तो हो जाएगा 4 इंटू 15 मीटर इक्वल्स टू 15 फोर जा 60 मीटर. तो यहाँ देखते हैं 60 मीटर कौन सा ऑप्शन है आपका, बी वाला. तो इसको हम टिक लगा देते हैं. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया. तो यहाँ पे अब आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर के हद से पहले साइड निकाल लेते हैं. ठीक है, 16 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन का. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4 इंटू साइड, ये आपको 16 दे रखा है ऑलरेडी, तो 4 इंटू साइड 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू साइड. 4 × 4, 4 × 4 = 16. ठीक है, तो साइड इक्वल्स टू आपकी निकल आई है 4. अब हमें निकालना है एरिया. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 इक्वल्स टू 16. अब ये आपको दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आ रहा है, सी वाले में, तो सी वाले को टिक लगा देंगे. उसके बाद है आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्रेथ भी पता होनी चाहिए. तो ब्रेथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3. ब्रेथ इक्वल्स टू होता है एरिया अपॉन में लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए एरिया दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और लेंथ दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, 8 × 8, 8 × 6 = 48. तो यहाँ पे ब्रेथ आ गई आपके 6. अब लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है हमें, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला. ये हो जाएगा आपका 2 × लेंथ + ब्रेथ 2. लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो जाएगा 2 × 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब देखते हैं 28 जो है वो आपका किस ऑप्शन में आ रहा है. तो ये आ रहा है आपका डी वाले ऑप्शन में, तो इसको हम टिक लगा देंगे. क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल आर इन द रेशियो. यानी कि एक स्क्वायर आपको बना के दे रखा है. ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड हम ले लेते हैं ए, और इसकी ये डायगोनल है. ठीक है, तो डायगोनल तो हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं. वो होता है आपका ए स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे निकालनी है डायगोनल. तो डायगोनल क्या हो जाएगी आपकी, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर. ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू,
और फिर यहाँ पे आपका डायगोनल इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 2a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a। अब डायगोनल जो है इसके ऊपर सपोज कीजिए हम एक जो स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से, उसका एरिया और ये पहले वाले स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर थ्रू डायगोनल ये हो जाएगा रूट 2 में ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब हमें निकालना है रेशियो, तो रेशियो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो 1:2 आ गया, ठीक है। तो 1:2 देखते हैं किस में आ रहा है हमारा, बी वाले में, तो हम इसमें बी वाले पे टिक लगा देंगे। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डी यूनिट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया निकालना है हमें स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको डायगोनल दी हुई है डी, ठीक है, और ये है आपका स्क्वायर, ठीक है, और ये डी डायगोनल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमें नहीं मालूम है तो इनको एक्स एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रूट में 2x का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका रूट 2 में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा डी है, बट हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, इसको रूट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू डी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन में रूट 2 एंड x इक्वल्स टू रूट में डी अपॉन में रूट 2, ठीक है। तो रूट से रूट इसका तो हट जाएगा, इसका रूट इसके रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका रूट डी अपॉन में 2, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, और साइड हमारी निकली है रूट डी अपॉन में 2 का स्क्वायर, यानी कि डी अपॉन में 4। एक बार फिर से इसे हम चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन में 2, उसके बाद एक्स इक्वल्स टू रूट में डी का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका डी अपॉन में रूट 2, ठीक है। ये उल्टा हो गया था यहाँ से, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम साइड का स्क्वायर, तो ये आपका निकलेगा यहाँ पे डी अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये डी स्क्वायर अपॉन में 2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डी स्क्वायर। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, इसमें बी वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो क्या है, वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल दैट ऑफ द अदर, ठीक है, एक से दूसरे का डायगोनल क्या है, डबल है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट द डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू डी, तो क्या हो जाएगा, देन द डायगोनल ऑफ सेकेंड स्क्वायर
एट कॉस टू क्या हो जाएगा 2D। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर अपॉन में हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो हाफ से हाफ कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी स्क्वायर अपॉन में 4D2। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपका 1:4। तो देखते हैं 1:4 किस में आंसर आ रहा है। एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स वन हैविंग इट्स डायगनल डबल दैट ऑफ द अदर। ओके, तो डायगनल जिसकी डबल है उसे हमें ऊपर रखना था, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ द रेशियो ऑफ अ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 9:1 देन द रेशियो ऑफ देयर पैरीमीटर इज, पैरीमीटर का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 9/1। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे आपका पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फोर ए। तो अब हमें क्या करना है, दोनों के एरिया का वो रेशियो रखना है। तो एरिया ऑफ 1² अपॉन में एरिया ऑफ 2² इक्वल्स टू 9/1। ठीक है, अब यहाँ पे ए 1² अपॉन में ए 2² इक्वल्स टू 9/1। अब दोनों का स्क्वायर है तो ए 1/(a)² इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 9/1, जो कि निकल आएगा आपका 3/1। यानी कि ए 1 है आपकी 3 साइड और ए 2 जो है वो आपकी 1 है। तो दोनों की अब हमें साइड मिल गई है। अब हम निकाल देते हैं रेशियो ऑफ पैरामीटर। रेशियो ऑफ पैरामीटर निकालेंगे यानी कि 4a1/4a2 इक्वल्स टू 4×3/4×1। 4 से 4 कट गया, रेशियो आ जाएगा आपका 3:1। तो देखते हैं 3:1 किस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3:1 किस में आ रहा है, बी वाले में। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बता रहा है द रेशियो ऑफ अ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एंड दैट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए इज। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर की जो साइड दे रखी है उसका हमें रेशियो दे रखा है। ठीक है, एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, हमें निकालना है यहाँ पे एरिया, यानी कि यहाँ पे साइड ए और यहाँ पे भी साइड ए है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका क्या होता है आपका √3/4a². ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो दोनों को ऊपर नीचे रख देते हैं यानी कि ए स्क्वायर अपॉन में √3/4a². ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आपका हो गया 1×4:3। तो ये हो जाएगा आपका 4√3। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ आ रहा है, 4√3। 4√3 ये रहा। ठीक है, तो इस पे हम टिक लगा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बाय 25% इंक्रीज इन एरिया विल बी। तो एरिया कितने से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ओरिजिनल साइड जो है हमारी
ए है और इंक्रीज्ड साइड क्या हो जाएगी, ए प्लस ए का 25%, ठीक है। तो 25 × 25, 25 × 4 = 100। तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे यानी कि ए प्लस ए अपॉन में 4 का, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 4, 4a प्लस ए इक्वल्स टू 5a अपॉन 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर। तो साइड हमें दे रखी है 5a अपॉन 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 25a स्क्वायर अपॉन में 4 × 4 = 16, ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 25a² अपॉन में 16 माइनस करेंगे इसमें से ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल है हमारा a², ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा हमारा क्या, ओरिजिनल वाली वैल्यू इनटू 100, ठीक है। यानी कि दोनों का डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू a है इनटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 आया इनका एलसीएम, ठीक है, दोनों का, इन दोनों का एलसीएम 16 आया। तो ये हो जाएगा आपका 25a² माइनस 16a² अपॉन में a² × 100। अब ये हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो 9a² अपॉन में 16 इंटू 1 अपॉन में a² × 100। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, उसके बाद 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। हमारे पास आया 9 × 6.25। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × 5 = 45, 4 कैरी गया, 9 × 2 = 18 और 4 = 22, 2 कैरी गया, 9 × 6 = 54 और 2 = 56 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 56.25%। ये देखते हैं 56.25% किस में आ रहा है, 56.25% यानी कि डी वाला। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 50 cm², द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल। तो डायगनल का हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर है 1/2 × डायगनल² एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है 50 cm, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 50 cm² इक्वल्स टू 1/2 × डायगनल² उसके बाद 50 × 2 इक्वल्स टू डायगनल का स्क्वायर, डी इक्वल्स टू 100 का रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 cm, ठीक है। तो देखते हैं डी इक्वल्स टू 10 cm कहाँ आ रहा है, बी वाले में, तो इस पे टिक लगा देंगे। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। ईच डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14 cm, इट्स एरिया इज, डायगनल दे रखा है, एरिया फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे डायगनल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। डायगनल दे रखी है आपको 14 cm, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 11, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 × डायगनल² तो जगह 1/2 × 14 का स्क्वायर तो जगह 1/2 × 14 × 14, 2 × 2 = 14, ये जगह 7 × 4 = 28, 2 कैरी गया, 7 × 7 = 2, 9, 98 cm². तो देखते हैं 98 cm² कहाँ आ रहा है, सी वाले में, तो सी पे टिक लगा देंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 64 m², अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ इज लेड अराउंड द आउटसाइड ऑफ इट। इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 17 m², देन द विथ ऑफ द पाथ इज, पाथ की हमें विथ निकालनी है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का,
area of square equals to कितना दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पाथ 17 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ पे कैसे, 64 मीटर स्क्वायर और 17 मीटर स्क्वायर को प्लस करके तो जाएगा 7 और 4 11, 1 कैरी गया 6 7 8, 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड ऑफ बिग स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन में एरिया का रूट, जो कि हो जाएगा आपका 81 का स्क्वायर, तो ये निकल आएगा आपका 9 मीटर। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ बिग स्क्वायर निकल आया है, एरिया ऑफ साइड साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 64 मीटर स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है विद ऑफ द पाथ, तो विद ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, बड़े वाली साइड में से छोटी वाली साइड को माइनस करके, यानी कि 1 मीटर। अब देखते हैं 1 मीटर किस ऑप्शन में आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है आपका ए वाले में ही, तो आपका आंसर यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 614, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3x+4 सेंटीमीटर एंड 4x-13 सेंटीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 94 सेंटीमीटर देन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए है पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ पे हमें 94 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 लेंथ की जगह आ जाएगा आपका 3x+4 प्लस 4x-13 ब्रेथ आ जाएगी, तो ये जाएगा आपका 94/2 इक्वल्स टू 3x और 4x मिलकर हो जाएगा आपका 7x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 स्क्वायर, 2 into 2, 2 4 8, 2 7 14, 47 माइनस का 9 इधर हो जाएगा प्लस में इक्वल्स टू 7x, 7 और 9 16, 1 कैरी गया 5, उसके बाद यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू x, 7 into 7, 7 8 56, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। तो देखते हैं 8 किस ऑप्शन में आ रहा है, बी वाले में, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये वाला सॉल्यूशन आपका 14 नंबर का है। ठीक है, अब हम 13 वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अ पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड रन्स अराउंड एंड इनसाइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 20 मीटर, द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹2.25 पर स्क्वायर मीटर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि दोनों स्क्वायर्स जो है उनका एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर होगा, यानी कि हो जाएगा आपका 20 मीटर × 20 मीटर इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर है इसके अंदर पाथ बिछाया गया है 1 मीटर वाइड। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, तो जब इनर स्क्वायर निकालेंगे तो इसका भी एरिया साइड स्क्वायर ही होगा, बट यहाँ पे साइड हमारी हो जाएगी 18 मीटर × 18 मीटर, और ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि बाहर वाले साइड की हमारा मेजरमेंट है 20 और 20 में से 1 यहाँ से और 1 यहाँ से माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 × 18 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं,
एरिया ऑफ पाथ आपका कैसे आएगा, 400 मीटर स्क्वायर माइनस 384 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ लेबलिंग ऑफ पाथ। 1 मीटर के लिए, 1 स्क्वायर मीटर के लिए 2.25 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। 16 5 80, 8 कैरी गया, 16 2 32 और 8 40, 4 कैरी गया, 16 2 32, 32 और 4 36, दो डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7 76, तो यहाँ पे आपको 76 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तभी हमारा आंसर यहाँ पे सही नहीं आ रहा है। तो 76 को इंटू करते हैं 2.25 से, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका यहाँ पे 171 रुपीस। ठीक है, तो देखते हैं 171 रुपीस कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन में 171 डी वाले में आ रहा है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है इन फिगर 38 ए बी सी डी एंड पी क्यू आर सी आर स्क्वायर सच दैट ए डी इक्वल्स टू, ए डी इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर एंड पी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, इस का एरिया दे रखा है आपको कितना, 403 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ वाई इज, वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम नोटबुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, यानी कि 22 इंटू 22, ये हो जाएगा आपका 484। इसके बाद एरिया ऑफ पी क्यू आर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी साइड का स्क्वायर होता है आपका, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है जैसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें कैसे पता चलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस पी क्यू आर सी, तो ये निकला है आपका 484 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और आपको ऑलरेडी शेडेड एरिया कितना दे रखा है, 403, तो 403 है यहाँ पे, माइनस करेंगे इसको, यहाँ जाएगा 484 इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। अब इनको हम आपस में माइनस कर लेते हैं, 13 में से 4 जाएगा 9, इसके बाद 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, और माइनस में आएगा इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 19। यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो 484 में से 403 माइनस करना है यहाँ 1 और 8, 81 आएगा। ठीक है, और 81 का स्क्वायर हो जाता है हमारा, रूट जो है वो 9 हो जाता है। तो 9 देखते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है, 9 आ रहा है आपका सी वाले में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, 15 क्वेश्चंस हमने कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस फिर से कवर करेंगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो कमेंट करके बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।